लाइटनिंग पैक बनाने के लिए मैंने मसूर दाल का यूज़ किया है। सबसे पहले मसूर दाल को 4 से 5 घंटे के लिए नॉर्मल पानी में भिगो के रख दीजिए। मैंने ऑलरेडी 7 से 8 टेबल स्पून दाल भिगो के रखा है। अब इस दाल को ग्राइंड करना है। इसमें 4 टेबल स्पून रॉ मिल्क ऐड करके इसका फाइन पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बन के रेडी है। अब एक क्लीन बोल लीजिए और अब उसमें 4 टीस्पून इस पेस्ट को लीजिए और अब इसमें 1 टीस्पून हनी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। स्किन लाइटनिंग पैक बनके रेडी है। इसे अप्लाई करने से पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद इस फेस पैक को अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। मसूर दाल में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है जो फेयरनेस के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। ये स्किन टोन को इवन करता है और सनटेन को भी रिमूव करता है। इसमें मिल्क भी ऐड किया है। मिल्क में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन टोन को लाइट करने में बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसमें मैंने हनी का भी यूज़ किया है। हनी एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है जो एक मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है। हनी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है जो एज स्पॉट्स और एक्ने स्कार्स को फेड करता है। अब इस पैक को 15 से 20 मिनट तक ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। ड्राई होने के बाद इसे ठंडे पानी से धो लीजिए। इस फेस पैक को आपके बॉडी और फेस दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस पैक को हफ्ते में 3 डेज अप्लाई कीजिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर फर्स्ट टाइम आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।